दुनिया के साथ सबसे सस्ती देश जहां भारतीय बहुत कम पैसे में कर सकते हैं शेयर। अक्सर ऐसा होता है कि पैसों की कमी के कारण हम में से कई लोग चाहते हुए भी विदेश यात्रा पर नहीं जा पाते हैं। कभी जाने के बारे में सोचते हैं तो दूसरे देशों की तुलना में भारत की करेंसी का मूल्य इतना कम होता है कि हम होने वाले खर्चे के बारे में सोचते ही घबरा जाते हैं और घूमने का प्लान नहीं बनाते हैं। खास इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे देशों के बारे में बता रहे हैं जहां की करेंसी का मूल्य भारतीय रुपये से बहुत कम है और जहां आप बहुत कम पैसों में सैर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल फॉर लेटेस्ट अपलोड। नंबर एक, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी एक बेहद खूबसूरत देश है। भारत से हर साल हजारों लोग इंडोनेशिया घूमने के लिए जाते हैं। इंडोनेशिया में एक भारतीय रुपए की कीमत 206 इंडोनेशियन रुपया के बराबर हो जाती है। अगर आप 1,00,000 रुपये इंडोनेशिया में लेकर जाते हैं तो यहां आपको 2,60,000 इंडोनेशियन रुपया मिलेंगे। तो दोस्तों, घूमने के लिए ये भी एक बहुत बेहतरीन देश है जो आप कम पैसे में घूम सकते हैं। नंबर दो, वियतनाम। वियतनाम भी दुनिया की कुछ चुनिंदा प्रमुख सैर सपाटे वाली जगहों में से एक माना जाता है। वियतनाम की करेंसी का नाम है डोंग और एक भारतीय रुपए के बदले में आपको इस देश में मिलेंगे 350 वियतनामी डोंग। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन देश है जो आप बहुत ही कम पैसे में शेयर कर सकते हैं। नंबर तीन, श्रीलंका। भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका। भारतीयों के लिए श्रीलंका हमेशा ही एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल रहा है। वजह है भारतीय करेंसी का श्रीलंका में 2 गुना हो जाना। जी हाँ, भारत का 1 रुपया श्रीलंका के 2 रुपये के बराबर है। यानी अगर आप 1,00,000 रुपये लेकर श्रीलंका जाएंगे तो यहाँ आपका 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। ये भी एक बहुत बेहतरीन कंट्री है जहाँ आप बहुत कम पैसे में सैर कर सकते हैं। नंबर चार, बेलारूस। बेलारूस एक छोटा कंट्री है लेकिन बेहद सुंदर देश है। बेलारूस की करेंसी का नाम है रूबल और भारतीय करेंसी की तुलना में ये काफ़ी सस्ती है। जी हाँ, भारत के 1 रुपये की कीमत 216 बेलारूस रूबल के बराबर होती है। आप बहुत ही कम पैसों में इस खूबसूरत कंट्री का आनंद ले सकते हैं। नंबर पाँच, कंबोडिया। कंबोडिया मशहूर है अपने पुराने किलों और बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ बेहद पुरानी इमारतों के लिए। भारत के 1 रुपये की कीमत 63 कंबोडियन रियल के बराबर होती है। तो आप भी बहुत कम पैसे में इस कंट्री का भी आनंद ले सकते हैं। नंबर छः, पैराग्वे। पैराग्वे एक बेहद खूबसूरत देश है। पहाड़ों, नदियों और झरनों के इस देश में एक भारतीय रुपया 88 पैराग्वेयन गुयरानी के बराबर हो जाता है। ये भी बहुत खूबसूरत देश है और आप बहुत कम पैसों में इस देश का आनंद ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नंबर सात, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की करेंसी का नाम है कोलोंस, जो कि भारतीय रुपये की तुलना में 8 गुना सस्ती है। कोस्टा रिका एक खूबसूरत देश भी है। तो आप भारत से कोस्टा रिका घूमने जाइए। 1,00,000 रुपये में आप कोस्टा रिका में भरपूर सैर सपाट कर पाएंगे और इस खूबसूरत देश का आनंद भी ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये था सस्ती मुल्क जो हमने इस वीडियो में बता चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।